तो भैया जब बात है यहाँ पर ऐसी कि जब भी बात आती है अपने YouTube स्टूडियो को सेट करने की या फिर अपने बेडरूम को और भी थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने की या फिर किसी भी तरह के रूम को एक अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूम बनाने की, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5 ऐसी चीजें जो कि आपको परचेस करनी चाहिए जो कि आपके 1,000 रुपये के अंदर में आएंगे और आपका जो आपका जो बजट है गाइस उसी के अंदर में आपका जो रूम है वो काफी अलग सा लगने वाला है। तो यहाँ पे जो नंबर 5 के ऊपर जो पहली ही चीज निकल के आती है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो वॉलपेपर, इस वॉलपेपर को मैंने 130 रुपए के अंदर में खरीदा था, जो कि देख सकते हो आप कितना नेचुरल कितना ओरिजिनल लग रहा है। उस वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि किस तरीके से मैंने इसको लगाया, कहाँ से परचेज की, तो उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप इस चीज को खरीद सकते हो। बेसिकली पीछे वॉलपेपर लगाया है, बात करता हूँ उसके अंदर बहुत सारे डिजाइन भी आते हैं जो कि आपको मैं बारी बारी से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आपको जिस भी डिजाइन पसंद आता है वो वहां से खरीद सकते हो बेसिकली। और बात निकल के आते हैं चौथी चीज के बारे में यहाँ पर, तो ये बेसिकली जो मेरा डेस्क है गाइस यहाँ पे ऊपर, मतलब ये पेन पून सब ऊपर ही ऐसे रखे हुए थे पूरे दिन भर, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के लिए पॉड लेके आओ। तो बेसिकली अगर आप मार्वल की मूवीज के फैन हो तो आपको ग्रुट के बारे में तो पता ही होगा, तो एकदम इंटरेस्ट और काफी क्यूट सा ग्रुट जो है आप अपने डेस्क के ऊपर रख सकते हो, जिससे आप जब भी कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाओ तो आपकी जो वीडियो की शान है वो काफी बढ़ जाएगी और काफी अट्रैक्टिव भी वीडियोस में लगेगा। तो बेसिकली मैंने तो एक ऑर्डर कर दिया है, उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जो इसको कंप्लीट वुडन का आता है उसके अंदर आप पेन रख सकते हो या फिर जो किसी भी फ्लावर को आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, तो काफी बढ़िया लगने वाला है। बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है मेरी पीछे दीवार, लेकिन मैं यहाँ पे लगाने वाला कुछ जिसके ऊपर मैं रखूंगा अपना कैमरा का लेंस, वो सारी चीजें, जैसे कि कुछ प्रोफेशनल लुक आना चाहिए, जैसे कि बाकी हर एक यूट्यूबर अपने चीजें करता है उसी तरीके से मैं भी करने वाला हूँ, प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश करूंगा इन दीवारों के ऊपर। तो उसके लिए भी मैंने एक चीज ऑर्डर की है, जो उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, काफी पसंद भी आएगी वो चीजें। करता हूँ मैं अपनी अगली चीज के बारे में, तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे इस कॉर्नर को देख सकते हो, मेरे स्टूडियो के कॉर्नर को, तो ये इस तरीके से कॉर्नर का शेप बनाता है जो कि मुझे नहीं अभी अच्छा लग रहा है वीडियो के अंदर में। तो यहाँ पे जो मैं वुडन का लगाऊंगा वहां पे भी मैं कुछ चीजें रखूंगा, जिसके फ्लावर पॉट हो गए या वो सारी चीजें मैं वहां पे भी सेट करने वाला हूँ, जिससे कि वो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन लगेगा और आपको भी काफी देखने में पसंद आएगा और वीडियोज के अंदर भी यहाँ पे कोई आता जाता है तो उन लोगों को देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। अब बात करते हैं दीवार के बारे में, तो यहाँ पे एक दीवार देख सकते हो, बेसिकली आपको स्टूडियो में कंप्लीट दिखा दो, मेरा लैपटॉप गिर जाता अभी। ओके, तो यहाँ पे दीवार देख सकते हो, यहाँ पे जो पीछे थर्मोकोल रखा है वो बन सके, यहाँ पे जो दीवार है गाइस ये मैंने पेंट नहीं की, बिकॉज जिसके लिए मैंने कुछ अलग और अट्रैक्टिव सोचा हुआ था। तो अब जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसमें अट्रैक्टिव चीज लगाने की, तो एक जो मिरर आते हैं गाइस, मिरर काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने चीज आपके लिए ढूंढी हो मिरर से भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। जैसे बिल्कुल यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के मिरर्स देखे हैं जो कि काफी सस्ते हैं और बहुत अट्रैक्टिव, तकरीबन कुछ 250 या फिर 300 रुपए के अंदर में गए, सो 28 मिरर कुछ इस तरह के शेप में आते हैं जो कि आप यहाँ पे अलग अलग चिपका सकते हो और ये जल्दी से निकलेगे भी। तो गाइस इन सब चीजों की जो लिंक है गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप जाकर टोटली खरीद सकते हो और जो जो चीजों को मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली वो सारी चीजें आपको वहां पे आसानी से मिल जाएंगे। तो बस यही छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मुझसे सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।